LCD है, GTA है, सैन एंड्रीज, दूसरी है कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइक 1.6 और तीसरी है GTA वाइस सिटी। एक सीन देखा है मैंने, देखो वो देखो सामने ना बिल्ली बैठी हुई, देखो कैसे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ऐसा है कि बारिश वाला मौसम हो रहा है, देखते बारिश होती नहीं होती। और अभी ना देखो एक सीन देखा है मैंने, देखो वो देखो सामने ना बिल्ली बैठी हुई, देखो कैसे। ये रही इस साइड, ये रही देखो, ये रही इस साइड। धूप हो रही है ना, या पता नहीं पानी गिर रहा है, उस वजह से टंकी के पास है तो टंकी का पानी गिर रहा होगा। तो देखो उसके पास बैठी हुई है बाहर निकली है, देखो ले भाई बिल्ली अभी देखो क्या करती है यार। बस आज का व्लॉग शुरू करा है, अगर बारिश हो गई तो आज का समझो आज का बारिश का व्लॉग बनेगा, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बाहर जाते हैं, हिमांशु को उठाया मैंने, वो तो सो रहा है, देखते हैं फिर बाहर बाहर जाते हैं। वो कुर्सी पूरी गीली क्यों हो रही है इसकी, तुम कुर्सी को साफ़ करो भाई, कुर्सी को साफ़ करो, कुर्सी साफ़ हो जा। अभी वैसे हमारे चुतड़ गिर होने वाले हैं तो वैसे गीली हो रही है। व्लॉग बनाने में मज़ा आता है, लेकिन जब वो एडिट नहीं होता ना गुस्सा आता है, लाइट चली जाती है, कभी बैटरी खत्म हो जाती है, कभी मेमोरी फुल हो जाती है ना व्लॉग की साइड की ना, माँ मैंने कोई एक हो जाती है, समझ में नहीं आता। चलो जितना भी हो रहा है ठीक है, बाकी इसको यहाँ रखते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। धूप आ गई है, कभी धूप आ रही है, कभी धूप जा रही है, यही मौसम चल रहा है। और हम बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए तो हम फिर बारिश का व्लॉग बनाएं, ठीक है जी। हिमांशु को फ़ोन करा था मैंने, चच्ची बोल रही है तो शोर आया, मुझे शोला मंगाना है, तो मैंने कहा उठाया करो फिर जल्दी से, फ़ोन कराऊँगा फ़ोन करूँगा तो उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा, जब भी इसको बुलाओ काम के लिए। बस देखते आते ही नहीं आता, फिर हिमांशु के साथ आपके लिए व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। A few moments later. बॉयज बारिश हो रही है और मैंने अपने चीनू पापा को नहला दिया है, देखो इसका शर्ट गीला हो रहा है। ये देखो बारिश सब गीला हो गया है, धूप भी हो रही है और बारिश भी हो गई है, ये देखिए। चलो बॉयज टाइम वेस्ट लगाने के लिए हमने मोबाइल लगा लिया और अभी हिस्सों में बारिश हो रही है, देखो कैसा टाइट वो आ रहा है व्यू इसका। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. चलो भाई अब आपको हम अपना छत का वो दिखाते हैं व्यू। देखो कैसा पानी आ रहा है छत पे से, टंकी के पास से देखो कैसा ऊपर से पानी आ रहा है। और अभी तो ओले गिर रहे थे बिल्कुल, इतनी मोटी मोटी बूंदाबांदी हो रही थी, देखो अभी। और मैंने कुर्सी साफ़ कर दी, देखो चमक गई कुर्सी, कुर्सी को धो दिया मैंने, हमारी पूरी छत चमक गई देखो। इतने दिनों से झाड़ू भी लग रही थी लेकिन पानी से साफ़ हो गई वो, अभी दोबारा हो गई। दोबारा बारिश शुरू हो गई है, बारिश वफ़े वफ़े से हो रही है और मुझे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। हम व्लॉग भी बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी उमर भाई का व्लॉग मोबाइल लेके आता हूँ, ट्राईपॉड पर लगाऊंगा, छोटा वाला ट्राईपॉड भी मैं लेकर आया हूँ, उससे ही बनाएंगे व्लॉग। I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. भाई के मोबाइल पे स्विच कर दिया और आप देखो, आप पूरी तरह से आप देखो रोशनी हो गई है छत पे, कितनी साफ़ हो गई छत माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बारिश कर दी। और मैं दुआ ही मांगा था कि आज बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। इससे पहले मेरे पास है, अभी रुक जाओ, तो मैं ना दुआ ही मांगा था कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, और बारिश हो गई। इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था मैंने, आपने शुरू करा था डेली व्लॉग और आज ये बारिश का व्लॉग। तो उमर भाई का मोबाइल पर स्विच करा है, यहाँ पर अपने मोबाइल से सिनेमैटिक्स चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दोनों गए हुआ है, बोले मोबाइल ने मोबाइल दे, लेकिन चार्जिंग खत्म हो गई, लाइट भी चली गई ना, मैं समझा था कि लाइट जाएगी नहीं, लेकिन लाइट चली गई, बस क्या कर सकते हैं भाई। चलो अब बिल्कुल बादल खुल गए, अब बिल्कुल ही क्या बोलते हैं बारिश ख़त्म हो गई है। इससे पहले तो ऐसे मोटी मोटी बूंदने वाली वाली बारिश हुई, जैसे लगा था ओले गिर रहे हैं भाई, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई बारिश।
तो भाई धूप निकल चुकी है पूरी तरह, देखो सब जगह पे धूप आ गई है, हमारे यहाँ पे भी धूप आ गई है। देखो वो पानी धूप आए, धूप आने की देर होती है, वो पानी ऐसा खुचक होता है। देखो अभी पता नहीं चल रहा कि बारिश हुई है, अभी सब गीला गीला हो रहा था और नहा भी लिए, और देखो अभी धूप आई नहीं हो, देखो सब बस जो ऊपर की दीवारें ना वो गीली हो रही है, बस धूप आती नहीं है और हमारी छत खुचक हो जाती है, क्योंकि हमारे छत का जो स्लेब है वो बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल साफ पानी नाली में जाता है। और देखो ये कौवा आया था अभी, सब बारिश में नहाए मज़ा आया, कौवों को भी यहाँ भी बैठा हुआ था, यूँ जा रहा था अपने परों को अपने जिसम को जा रहा था, पूरा गीला हो गया कौवा। मैंने कहा दिखाऊंगा, इतनी देर में उड़ी गया आपसे बातें करने के चक्कर में, बस नहा लिए, इन्जॉयमेंट कर लिया हमने बारिश में। अभी एक काम ये है कि नीचे पानी भर गया सीढ़ी के, सीढ़ी पे जमा हो गया, तो उसी पर बारिश के पानी से सीढ़ियाँ साफ़ कर देते हैं, देखो वो भी साफ़ हो जाती है। देखो अब पूरा आसमान खुल गया, आधे पौने घंटे की बारिश हुई, तेज़ हुई लेकिन मज़ा आ गया भाई, बारिश में आ गया आज तो। अब देखो अब आपके भाई की शक्ल बिल्कुल सही नज़र आ जाएगी, गोरी गोरी सी धूप आ गई ना सर, मतलब पहले ऐसी हुई थी ख़राब थी, नहा भी लिया बारिश थोड़ा सा। Two days later. चलो वॉइस, अभी का सीन ये है कि देखो एक बज चुका है, और क्या बोलते हैं, एक बज चुका है सामने, 1:05 हो गए, अजान ख़त्म हुई, तो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। बस बारिश का व्लॉग के बाद से 2 दिन हो चुके बारिश को, उसके बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई, धूप इतनी तेज़ हो गई, गर्मी बढ़ गई है भाई, पसीने आ रहे हैं, लेकिन अभी बुखार हो गया था बारिश में, नहीं तो बुखार हो गया था, उसके बाद से कुछ शूट नहीं करा, 2 दिन ऐसे सुस्ती में निकाल दिए। बस अभी ये करते हैं, और आज का सीन ये है कि आज हम अपने गेमिंग चैनल के लिए 3 सीढ़ियाँ लेने जाएंगे, कौन सी, GTA Vice City, सैन एंड्रीज और 1.6। तो 3 सीढ़ियाँ लेने जाएंगे, जब भी किसी बच्चे के पास, किसी स्टूडेंट के पास, किसी आदमी के पास नया कंप्यूटर आता है ना, तो वो सबसे पहले GTA Vice City गेम लेने जाता है, सीढ़ी लेने जाता था। तो हमारे पास नया नया कंप्यूटर आने को भी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए कंप्यूटर आए हुए भी, नया PC जो हमने बनवाया, तो हमने कहा था गेम कैसे खेलें, गेम उनसे डलवाया नहीं था, रिजवान भाई जिस दिन हमने कंप्यूटर लिया तो उनसे हमने गेम डलवाया नहीं था, तो आज जो है ना गेम की सीढ़ी लेके आएंगे, देखते हैं कितने तक की मिलती है, अगर शूट कर पाया तो शूट करके दिखाऊंगा। 3 सीढ़ी लेके आएंगे, GTA Vice City, सैन एंड्रीज और 1.6, Counter-Strike 1.6 जो सबका फेवरेट होता है। सबसे पहले 1.6, GTA Vice City, GTA San Andreas, ये तीनों इतने हल्के गेम हैं कि आपका 2GB रैम और हल्के से हल्के PC में, Core 2 PC में भी चल जाता है ये गेम, और बहुत अच्छे से चलते हैं, मिशन आप पार कर लेते हो, पूरी आज़ादी करवा देते हो गेम की, यही सीन है। ठीक है अभी चलते हैं, बस नमाज वमाज पढ़ते हैं, देखते हैं अभी जाते हैं या बाद में जाते हैं, रात में जाते हैं खाना वाना खा लें के बाद जाते हैं, कब जाते हैं, फिर जो भी सीन होगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, बाय। लेटर दैट सेम इवनिंग। तो हाँ वैसे अभी का सीन ये देखो, आपका भाई अभी खाना खाने के बाद 300 रुपये की भैंस की तुम गेम की सीढ़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, पहले हम लोग लेते थे 40 रुपये की, 60 रुपये की, बस ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये की। जब से हमारा PC ख़राब हुआ है 2.5 साल के बाद हमने PC बनवाया अलहमदिल्ला अपना, अब इसमें बस सिर्फ ग्राफिक कार्ड की कमी है और किसी चीज़ की कमी है, तो सेटअप थोड़ा सा तारा वार बिखरे हुए, तो इसको इग्नोर करना अगर अच्छा ना लगे, और हल्के में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, और रात के 12 बजे आपका भाई शूट कर रहा है, क्योंकि सब सो चुके हैं, पापा वगैरह सब, जब हल्के आवाज़ से शूट कर रहा हूँ मैं। तो अभी का सीन ये है कि आपका भाई लेकर आया था सीढ़ी 300 रुपये की, एक सीढ़ी मतलब एक सीढ़ी 100 रुपये की, 300 रुपये की 3 सीढ़ियाँ मिली, दिमाग ख़राब। देखो मैं इसकी दूँ, इतनी महंगी हो गई गेम की सीढ़ी। ये देखो पहली सीढ़ी है GTA San Andreas, दूसरी है Counter-Strike 1.6, और तीसरी है GTA Vice City। जब भी कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई स्टूडेंट फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर लेता है और उसको गेम खेलने का शौक होता है, तो वो ये वाली सीढ़ी लेता है, सबसे पहले GTA Vice City और Counter-Strike, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर जो उसका दिल चाहता है खेलने का फिर वो सीढ़ियाँ लेके आता है। तो अभी का सीन ये है कि ना 100 रुपये की एक सीढ़ी मिली है, खाना खाने आज मैं खाना खाने से पहले नहीं चला गया था 9:30 बजे, क्योंकि पापा ने जल्दी खाना खा लिया था, बिला हुए लोग गए हुए थे अपने काम से, तो मैं हमारे चुका भाई पैसा है तो सीढ़ी दे लो, गेमिंग चैनल बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेमिंग चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उसको भी सब्सक्राइब करना, जैसे आपने इसके इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है 200 तक पहुंचा दिया, उसको भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना, उसमें भी अच्छे अच्छे गेमिंग वीडियोज़ आएंगे। ये मैं लेकर आ गया हूँ सीढ़ी गेम की, तो उसके बाद जो है सीन ये है कि ना गेमिंग वीडियोज़ बनाएंगे, बस गेमिंग चैनल खोलिए आप, गेमिंग वीडियोज़ बनाएंगे। तो नाम बताना मुझे गेमिंग चैनल का, गेम्स विद अनस रखूँ या अनस के गेम्स या
गेम्स बाय अनस या अनस बाय गेम्स, तीन चार नाम होते हैं। एक ये है गेम्स विद अनस, दूसरा है अनस के गेम्स, दो नाम ये सोचे तो बताना कमेंट में कौन सा नाम रखूँ, गेम्स विद अनस या अनस के गेम्स, ठीक है जी। बाकी तीन अभी जो है हमारे पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो हम GTA 5 नहीं खेल सकते, खेल तो सकते लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हैंग होगा, आपको गेमिंग वीडियोस देखते हैं फिर मज़ा नहीं आएंगे, रिकॉर्ड भी सही नहीं होगी। तो बिना ग्राफिक कार्ड के GTA Vice City चल सकता है, 1.6 चल सकता है और सन एंड्रीज चल सकते हैं। और मैं सोचा था गेटिंग ओवर एट की CD मिल जाती तो ले आता, लेकिन उन्होंने कहा भाई वो आप ऑनलाइन ख़रीदोगे। और शूट मैंने क्यों नहीं करा, शूट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि रात का टाइम होना था, फिर उनकी दुकान में रश बहुत होता, शोर इतना होता कि इस वजह से शूट ही नहीं कर पाया मैं। बस हिमांशु को बोला था हिमांशु आ जा, अभी गेमिंग चैनल बना देते तो फिर डाल देते। हिमांशु को बोला मैंने हिमांशु आ जा अभी गेमिंग चैनल बना देंगे फिर डाल देंगे, लेकिन उसने कहा भाई भाई मैं अब्बू के साथ पानी भरने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हिमांशु नहीं आया तो अभी कल बनाएंगे गेमिंग चैनल, तो कल ही आप वीडियो देखोगे और कल ही हम चैनल का लिंक डाल देंगे इसके अंदर इस वीडियो में। तो गेम्स में अनस नाम रखूँगा या अनस के गेम्स, देख लूँगा कौन सा अच्छा लगेगा तो वो नाम रखूँगा, ठीक है जी। बस इस व्लॉग को रखते हैं, आई होप आपको व्लॉग्स पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते हैं वैसे आपको अच्छे अच्छे गेम्स भी मिलेंगे, गेमिंग वीडियोज भी मिलेंगे, क्योंकि गेमिंग चैनल बना लिया हमने, बस सिर्फ नाम लिखना बाकी है और वीडियो एडिट करके डालना बाकी है। और जो मैं CDs लेकर आया हूँ तीन, इनको बस इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर, फिर अपने गेमिंग चालू करूँ GTA Vice City 1.6, तीन गेम खेलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Swear I won't forget this, why do I regret this, in my mind reckless, thoughts are feeling endless.